इधर मंडला में हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि होने की जानकारी के बाद देवास विधायक चैन सिंह वरकड़े ने तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। विधायक चैन सिंह ने प्रभावित किसानों को आश्वस्त किया है कि जो क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। निवास विधायकों ने बताया है कि राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। सब डिवीजन निवास क्षेत्र में और मंडला जिले में जहाँ जहाँ पर ओले से जो किसान प्रभावित हुए हैं, प्रशासन को मैंने कहा है कि उनका व्यवस्थित जांच पड़ताल करके परीक्षण करके जो उचित सहायता हो सकती है उसकी रिपोर्ट बना करके शासन को भेजें ताकि हम किसानों को मदद कर सकें। ऐसा निर्देश कलेक्टर को और सब डिवीजन के जो राजस्व अधिकारी है उन सबको निर्देश दिया है। देखिए लगभग सुबह 4:30-5 बजे के आसपास हल्की बारिश के साथ इतने बड़े बड़े ओले गिरे कि लगभग एक किलो आधा किलो साइज के ओले गिरे, जिससे बहुत ज़्यादा क्षति हुई है निवास के आसपास बहुत सारे गांवों में। सुबह से लोगों के फोन आ रहे हैं और मैं जैसे ही उठा सुन के वैसे ही मैं गाँवों की विजिट में तहसीलदार को बुला के उनको लेके मैं आया। फसल चौपट हो गई है, घरों के खपरे फूट गए हैं, जिनकी सीमेंट की सीटें लगी थी वो टूट गए हैं,